बढ़ते अपराधों से जूझ रहे प्रदेश में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अब सूबे की राजधानी लखनऊ में एक वकील की हत्या ने प्रशासन से लेकर सियासत तक को झकझोर रख दिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में एक वकील शिशिर त्रिपाठी की हत्या का मामला सामने आया और इस पूरी वारदात को कल देर रात 5 लोगों ने अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इधर डीएम आवास के बाहर वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी वकीलों से मिलने पहुंचे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। उधर लखनऊ के SSP कलानिधि नेथानी लापरवाही के आरोप में कृष्णा नगर के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया है। पिछले गेट से यहाँ निकलेंगे हम लोग बाहर होते हुए जो हाईकोर्ट गेट नंबर 8 पे निकलेंगे हम लोग बाहर से यहाँ निकलते हैं। हाईकोर्ट चौराहे होते हुए डीएम कार्यालय डीएम के गेट पर जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती है हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। ये गाड़ी हमारी वहीं रहेगी जब तक वहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा हमारे अधिवक्ता परिवार के लिए जो भी उचित सहायता होती है आर्थिक सहयोग होता है उसका ज्ञापन हम लोग देंगे और उस पर जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक गाड़ी हमारी वहीं रहेगी। जो भी दोषी हैं जी सर, चाहे पुलिस कर्मी हो कोई भी हो, उनको तुरंत दंडित किया जाए और उसकी कम से कम 50 लाख आर्थिक मदद की ये मांग है। और सर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन हुआ, कार्रवाई नहीं हुई।